गाइस, मैं धर्म सिंह चौधरी पावर माइंड के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं अपन। पिछला आपको क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में, आप लोगों का उसका आंसर का वेट कर रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो जो लोग आंसर कर देते हैं ना, निकाल लेते हैं, वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देखे, ताकि एक बार मैं देखूँ तो पता तो चले आप लोग कितना समझ पा रहे हैं और कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे वहीं से। क्या कहा गया था सवाल, एक बार मैं फिर से देखूंगा। एक प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती दी गई है। प्लाईबोर्ड टूट गई 3 हिस्सों में, तो यहाँ से 9:2:1 में टूटी, उसके बाद अगेंस्ट फिर वो 7:3:2 में टूटी, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ कि 448 रुपये का लॉस हुआ। तो प्लाईबोर्ड की कीमत बतानी है वास्तविक। देखिए, सबसे पहले अगर अपन देखें तो प्लाईबोर्ड टूटी है 9:2:1 में। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का अपना क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, आज अपन स्पेशल टाइप ही करने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अपन उन्हीं पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो 9:2:3 में इनका वेट का जो रेशियो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। फर्दर ब्रोकन, इसके बाद एक बार फिर से वो टूटी और 7:3:10 में फिर से ये वजन का अनुपात है। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, 9, 2, 11 और 1, 12, 7, 3, 10 और 2, 12, इनका ये वेट हमेशा समान रहेगा, क्योंकि टूटेगा तो वही ना। वजन अगर 12 है तो पहले इस अनुपात में टूटा है, फिर इस अनुपात में टूटा है। तो अगर मैं बात करूं आपसे इनिशियल, ठीक है, इनिशियल प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल प्राइस समानुपात दे रखी है वेट के, भाई वो तो प्राइस तो दे रखी है वेट के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपन इनिशियल ये इसको हटा देते हैं एक बार। प्राइस आपको कंडीशन दी गई है कि जो प्राइस है वेट के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती है, तो अपन बात करेंगे इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस सीधा सीधा मैंने आपको लिखाया था कि सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे भाई साहब, देखो 12 का स्क्वायर, इसका मतलब 144 यूनिट्स, यही है, ये 144 यूनिट्स आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ टूटी और यहाँ टूटी, इन दोनों में जो लॉस हुआ है वो आपको दिया गया 448, इसका मतलब यहाँ पे निकालिए, फर्स्ट ब्रोकन के बाद जो प्राइस आएगी वो कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको, 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 81, 85, 186 यूनिट। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो ब्रोकन हुआ आपका, ठीक है, उसके बाद जो प्राइस आया वो किस प्रकार आया देखिए। आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, 49। इसके बाद 49 के बाद की बात देखें तो 49 के बाद कितना, 3 + 9 कितना हो गया, 9 और 49 कितना, 58 + 4 = 62 यूनिट्स। ठीक है, इतने यूनिट का। अब आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो गैप हुआ है, यानी कि आपका 24 यूनिट्स, कितना 24 यूनिट की जो बात कर रहा है, उतना आपको लॉस कितना दिखा रहा है, 448 रुपीज़। इसका मतलब 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 448 रुपीज़। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे सर, एक यूनिट की वैल्यू 448 डिवाइड में कितना, 24। अब इतना आ रहा हो गया, अब आप देख रहे हैं खुद की अपन को कितना चाहिए, ये रहा कितना, 144 यूनिट। ये कितना जाएगा, 448 डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई बाय 144, इसको कीजिए 6, कैलकुलेट करेंगे इसको, 6 × 8 = 48, 4 × 6 = 24, फिर 8 आएगा 6 × 6 = 24, और फिर उसके बाद में कितना, 2 = 26, 2688 रुपये। एक बार अपने आंसर चेक कर लीजिए, जो भी आपने निकाला आंसर कितना आ जाएगा, 2688 रुपीज़। ये अपने पहले वाले का आंसर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मार्कर नहीं है क्या यहाँ पे, मार्कर देखो ना, चल नहीं रहा इनमें से कोई, ये वाला भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, आप आंसर देख लीजिएगा। अब अपना अगला, पहला क्वेश्चन हो गया जो मैंने पिछली बार दिया था, अब अपना स्पेशल टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपका सवाल इस तरीके से दिया गया है कि आपको सवाल, हाँ, पूरी पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। पूरी पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात 3:4, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात निकालिए। समझने की कोशिश करें क्या कहना चाह रहा है। देखो, इस सवाल के अंदर क्या है कि अपनी पृथ्वी है ना,
दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, आप सभी जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है। कहने का मतलब पृथ्वी दो पार्ट से मिलके बनी हुई, एक पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट है। देखिए, तो आपने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको भूमि यानी कि लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में पूछा हुआ है होल अर्थ यानी कि पूरी पृथ्वी पे, ये डब्ल्यू मतलब होल अर्थ पे आपको लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:2, क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे दोनों का कितना आ रहा है 21, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, क्लियर। अब देखिए यहाँ 3 आ रहा, तो ये भी 3 गुना होगा और ये भी 3 गुना होगा, तभी तो 12 और 9 21 बनेगा। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, तभी जाके 21 बनेगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि ये निकालने से पहले देखो, ये 3 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा हो सकता है क्या पूरी पृथ्वी से? तो होल अर्थ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो दो पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, 2 से दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, गुणा। अब आपकी बात होगी सही कि यहां से देखिए 7 × 14, तो आपने क्या कहा सर 7 × 14 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बचा कितना भाई 5। कैसे कि सर टोटल पृथ्वी पर लैंड कितना, देखिए 7 × 14 है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 9 चला गया तो इस पे कितना बचा 5, अनुपात 7 × 14 = 14 × 28, ये 4 × 3 = 12, 12 चला गया 28 में से बचा कितना 16, यही आपका आंसर हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है भाई। तो 5:16, आप इस तरीके से देखेंगे और समझेंगे चीजों को कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन वो देखे गए थे, वो क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, 2 हो गए, अब आंसर नंबर 3 देखेंगे। 3 थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा लागत मूल्य कच्चे मूल्य का 3 गुना है, यदि कच्चे माल व उत्पादन मूल्य 5:12, 4:5 में बड़े हो तो 6 रुपये वास्तविक कीमत वाली वस्तु का कीमत अब क्या होगा। देखिए 6 रुपये वास्तविक कीमत, और वास्तविक कीमत में दो चीजें मिलके हैं, कौन कौन सी, कच्चा माल और लागत मूल्य, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे अपन किस तरीके से निकालेंगे, आइए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी दी गई है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आपको दिया गया है 6 रुपीज। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में दो चीजें, इसमें लागत मूल्य यानी प्रोडक्शन कॉस्ट मिली हुई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट मिली हुई है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट देखिए सबसे पहले, ठीक है, यानी दो रॉ मटेरियल कॉस्ट देखेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो इसने बोला रॉ मटेरियल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 3 गुना है। रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट का 3 गुना है, इसका मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट कितने रुपए है, 2 रुपए, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर ये किस अनुपात में बढ़ रहा है, 5:12 में, इसका मतलब सर ये 5:12, तो अपन ये देखेंगे कि सर 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई 2, 5 की जो वैल्यू है कितनी है, इसका मतलब ये कितना बढ़ गया आपके 2/5, तो ये भी तो कितना हो जाएगा भाई 2/5, ये इसका 2/5 गुना, तो ये भी 2/5 गुना, ये अपन सीख चुके हैं, इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना है 24/5, ठीक है। यही तो इसको यही रहने दीजिए या फिर इस प्रकार कर दीजिए, ये तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट 2 रुपये था, आपने इसका 5 का वैल्यू भाई 5 था पहले, फिर 12 हो गया, इसका मतलब 5 की वैल्यू 2 है, तो 12 की वैल्यू अपन ने निकाल दी 24/5 रुपये। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कहेंगे यहाँ से भाई 2 रुपये की है, टोटल 6 है, तो 2 घटा देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 4 रुपये, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 4 रुपये है, वो किस अनुपात में बढ़ रही है, तो आप ये कहेंगे 4:5 बताया गया है, तो 4:5 बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका कितना है 4, कितना गुना 1 गुना, तो ये इसका भी अगर 1 गुना करते हैं तो अब ये नई वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये। इसका मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई, रॉ मटेरियल से, मैन्युफैक्चरिंग से, तो नया मूल्य न्यू प्राइस, जो आर्टिकल आपका न्यू प्राइस देखेंगे क्या कहना चाह रहा है कि 24/5 देख लीजिए कितना हो जाएगा 4.8 ही हो जाएगा और 5 रुपये हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 9.8 रुपीज। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 4 नंबर देखिए,
चलो चले भाई आगे देखते हैं। नंबर फोर देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक कॉलेज में दो पाठ्यक्रम बीटेक तथा एमटेक में लड़के यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया 5:4। यदि एमटेक में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या बराबर है तो बीटेक में ज्ञात कीजिए। बीटेक में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो यदि बीटेक में एमटेक से 25% अधिक विद्यार्थी हो। बात को समझने की कोशिश करें, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक कॉलेज है जिसके अंदर आपको दिया गया है कि ये बॉयज और ये गर्ल्स, इनका रेशियो आपको दिया गया 5:4। ठीक है, साथ में ये कहा गया कि एमटेक में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर है, तो यहां से इस कॉलेज के दो पाठ्यक्रम है कौन कौन सा है, आपके पास एक बीटेक है और यहां पे एक एमटेक है। कंडीशन लास्ट देखिए कहना चाह रहा है कि बीटेक में एमटेक से 25% अधिक विद्यार्थी है, तो आप सभी जानते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब यहाँ एमटेक में कितने हैं, 4 विद्यार्थी है, तो बीटेक में 25% अधिक है, इसका मतलब कितने हैं, 5, एक अधिक है ना। यहां अगर ये कौन सा है एमटेक वाले, तो इससे एक ज्यादा है कौन, बीटेक वाले, तो यहां कितने हैं, 5। साथ में कंडीशन दी गई है आपके कि एमटेक में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब यहाँ के जो बॉयज और यहाँ की जो गर्ल्स है उसका जो रेशियो है वो बराबर है, इसका मतलब 2:2 है भाई, 4 है ना टोटल, तो टोटल 4 है तो 2:2 हो जाएगा। टोटल आपने 4 माना ना स्टूडेंट, उसमें बराबर है तो 2:2 हो गया। यहां की बात कर लेते हैं तो बॉयज और गर्ल्स, अब बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए टोटल कॉलेज में गर्ल्स कितनी है, 4, यहां एमटेक में गर्ल्स कितनी होगी, 2, तो गर्ल्स कितनी बची, 2। क्लियर, टोटल कॉलेज में बॉयज कितने हैं, 5, टोटल कितने, 5, उसमें से एमटेक में कितने, 2, तो इसका मतलब सर बच्चे कितने, 3, और इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 5। तो यही तो आपको पूछा, अनुपात ही आपको पूछा है कि ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि बीटेक में आपको क्या बताना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सवाल हो गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे, अगला सवाल करेंगे अपन, क्या पूछा है इसने, चले मिटा रहा हूँ, अगला सवाल देखेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन है, बिल्कुल आसान से करते रहेंगे आप, लंबे लंबे सवाल होते हैं, ऐसा कोई है नहीं, बाकी आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। तीन कक्षाएं दे रखी है ए बी तथा सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:3:4 दिया गया है। जब 18 विद्यार्थियों को सी में से कक्षा ए में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षाओं में विद्यार्थियों का नया अनुपात 7:4:5 हो जाता है। कक्षा बी में संख्या ज्ञात करें। कक्षा बी में किस भाई संख्या आपको ज्ञात करनी है कि कितने विद्यार्थी है। ठीक है, तो पहले 5:3:4, ये अपना कौन सा सवाल है, 5वां। पहले कितना दिया गया, 5:3:4। इसके बाद क्या हुआ कि 18 विद्यार्थियों को सी से ए में ले गए, 18 विद्यार्थियों को सी से ए में ले गए, ये वाले ए, ये बी और ये सी से ए में आपने डाला, तो रेशियो जो बदल गया वो रेशियो बदल के कुछ इस तरीके से हो गया। क्या रेशियो दिया गया है अपन को, 7:4:5, ये लीजिए 7:4:5। क्लियर है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो संख्या चेंज हुई वो सिर्फ फर्क पड़ा किस में, ए और सी में, बी तो आपका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब बी सर दोनों जगह क्या बनाएंगे अपन, कॉन्स्टेंट, तो बी कॉन्स्टेंट बनाएंगे, तो इसको 4 से गुणा और इसको कितने से गुणा, 3, ये भी 12 और ये भी 12। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, यहाँ एक्स ले लीजिए, यहाँ वाई ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर सीधा एक ही मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ एक्स मान लीजिए, ये कितना भाई, 4x में से 18 चले गए, 4x-18 5x+18 = 7/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये भाई तो बता रहा हूँ, सी में 4x में से 18 घटे और यहाँ 5x+18 हो गए, अनुपात बदल के क्या हो जाएगा, इसका तो 5, इसका 7 हो गया और इसका 5 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बेसिक है, लेकिन आपको ये अप्रोच आनी चाहिए कि इन दोनों में बराबरी तो है, तो आप ये 12 ये भी 12, तो जब इसको 4 से गुणा किया तो ये भी 4 ये भी 4 और ये कितना भाई, 3 और ये भी कितना, 3। इसका मतलब पहले विद्यार्थी कितने से, 16, अब विद्यार्थी कितने हो गए, 15, यहाँ आप देखेंगे कितना, 20 और यहाँ कितना, 21। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने देखा कि सर यहाँ 16 थे, इसके बाद जब आप यहाँ ले गए तो कितना चेंजेस आया भाई, 1 का, यहाँ आप देख रहे हैं इसका चेंजेस देखिए, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि सर जो फर्क आया है वो 1 यूनिट का कम हुआ है यहाँ पे, और 1 यूनिट यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ है,
तो इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी गई 18 विद्यार्थी, ठीक है। और अपन को तो क्या चाहिए भाई, 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणा 18, 18 दुना 36, 3 18 दुना 18, 3 21, 216 विद्यार्थी है भी। इस तरीके से अप्रोच करेंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, छः नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। दो स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 8:6:3 दिया गया, बिल्कुल सही। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी, ठीक है, के किराए 1/6 और 1/12 से घटाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों का अनुपात दे दिया गया 4:9:24 है। एक स्टेशन पर कुल कमाई आपकी हो रही है 3,55,600, ठीक है, कि टिकटों की बिक्री हुई, तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त राशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्लास 6 नंबर है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और आपका ये दिया गया है थर्ड क्लास, ठीक है। तीन क्लासेस आपको दी गई। अगर मैं बात करूं यहां पे तो फर्स्ट क्लास का जो फेयर है, फेयर का रेशियो जो दिया गया आपको का 8:6:3, 8:6:3 ये आपको दिया गया। साथ में कहा गया कि इसका जो है 1/12 कम होता है, और इसका एक सॉरी इसका 1/6 और इसका 1/12 किराया कम होता है। बात को समझना, 1/6 कम हुआ है, इसका मतलब आपकी रियल वैल्यू ये है, बिल्कुल सही, रियल वैल्यू 6 है, 1 रुपये कम हो गया, इसका मतलब 5/6 रह गया। नाउ फेयर, अब जो आपका किराया है वो कुछ इस प्रकार है कि 5-6 रुपये था, 1 कम हो गया, इसका मतलब 8 का 5/6 अभी भी बचा हुआ है, समझे। यहाँ की बात करेंगे तो 1/12, इसका मतलब 1/12, तो आप जानते हैं, समझ चुके हैं आप, बोलेंगे सर 11/12, समझ गए। और ये एज इट इज का 3 ऐसे कैसे, ठीक है भाई, कैलकुलेट करेंगे कैसे। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर अपन कर लेके आएंगे भाई, तो पहले फेयर को कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। अब क्या है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी 20/3 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 11/2 और ये कितना 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो फेयर का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा 40, इसको 6 से तीनों को 6 से गुणा कर दिया इजी कैलकुलेशन के लिए, 11, 33, 36, 18, ये आपका फेयर आ गया। नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या दिया गया भाई, नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिया गया 4:9:24, या आपने कहा सर फेयर इतना है, पैसेंजर इतना है, ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी यहाँ पे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×16=160, 9×27 और 2×29, और ये कितना 18×72, 18×36 और 4×42, यही हो रहा है 442, इन सबको जोड़िए कितना आ रहा है भाई, 2, 7, 9, ये लीजिए 9, 4×9=12 और 6=18, 1 हासिल पे, 5×2=7 और 1=8, 889 आपका आ गया टोटल सेल अनुपात में, वास्तव में दिया गया है 3,55,600। देखिए भाई 9 को कितने से गुणा करोगे, लास्ट में 6 आ जाता, आप बोलेंगे सर 4 से, तो ये इसका 400 गुणा है, कितना गुणा है करके देख लेना, 400 गुणा, ये 400 गुणा है, फर्स्ट क्लास का पूछा हुआ है, इसको 400 गुणा कर देंगे, 16×64 और ये 3 0 आपकी आगे, इसका मतलब फर्स्ट क्लास से कितना किराया मिला आपको 64,000 रुपये, क्लियर है क्या मेरी बात, ये लीजिए कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा करने के लिए, ठीक है, और आप उसको करेंगे। अभी पहले एक अपन एक और सवाल करते हैं, उसके बाद लास्ट में देंगे आपको एक क्वेश्चन। आपको जो भी वीडियोस वगैरह से आप 7 नंबर जो भी आपको सहायता मिल रही है तो हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, पहले चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ, फिर आप खुद करेंगे। देखो भाई सवाल सुनो, वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वस्तुओं के उत्पादित संख्या के वर्ग के समानुपाती है,
सॉरी वित्कर्मानुपाती है, ठीक है। कोई कंपनी कुछ वस्तुओं पर उत्पाद कर देती है तथा उससे कुछ कर उत्पाद शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यदि वह कंपनी उत्पादित वस्तुओं को 4:3:1 में बांटे तथा प्रत्येक संख्या पर कर दे तो उसे 6,670 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं पहले के बजाय, तो वास्तविक कर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। पहले तो ये टोटल पे देगा, फिर आप जो बाइफर्केट हुआ ना रेशियो उस पर देगा। इसका मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो आपका एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, वो आपके नंबर्स यानी कि क्वांटिटी के स्क्वायर के समानुपाती है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या कहा, यहां से अपन ने कहा एक्साइज ड्यूटी इक्वल्स टू क्या मान लिया, के अपॉन क्वांटिटी का स्क्वायर, ये दिया गया। अब अपन देखेंगे, यहां से देखिए संख्याओं का जो रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ये दिया गया 4, 3 और 1, इसका मतलब टोटल कितनी है 8, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ये है आपकी जो टूटी है इस संख्याओं में, तो ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से आपका ये कहना चाह रहा है कि ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी देखिए आप, तो ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी कितनी हो जाएगी भाई। आप ये कहेंगे सर के तो एज इट इज और क्वांटिटी में 8 रख देंगे, तो के बटे 64, ये हो गया। अब देखेंगे बाई फर के जो क्वांटिटी जो नंबर ऑफ रेशियो में टूटी उसको अपन क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि फर्दर इस अनुपात में बांटा गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका बनेगा एक्साइज ड्यूटी, वो देखिए एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी देखिए किस प्रकार टूटेगी भाई, यहां से देखेंगे अपन के बटे 4 का स्क्वायर प्लस के बटे 3 का स्क्वायर प्लस के बटे 1 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से अपन क्या हो जाएगा भाई, के बटे 16 प्लस के बटे 9 और प्लस के बटे 1, यही आपको दिया गया है। अब यहां पे जो एक्साइज ड्यूटी आपको मिल रही है और ये जो एक्साइज ड्यूटी है यहां पे आपको कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 6,670 रुपए, कितना ज्यादा 6,670। बात को समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा मैं यहां ऊपर से मिटाऊंगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार आपसे कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहा के बाई 16 प्लस के बाई 9 प्लस के बाई 1 के बटे 1 और इसका जो के बटे 64 में आपने बांटा, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है 6,670, ठीक है। ये आपको दिया गया, कैलकुलेट करेंगे इसको, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 64×9 कितना एलसीएम आ रहा है 64×9, ये 16×64 36 के प्लस 9 64 के और प्लस ये कितना भाई 9×36 9×54 कितना हो जाएगा 57 576 के और माइनस का ये 9 के और बराबर 6,670, ठीक है भाई। अब आपसे ये अगर 36×64 100 और ये कितना हो जाएगा भाई 676 में से 9 चला गया तो 667, इसको मिटा रहा हूँ 667, तो यहाँ से अपने पास बचा 667 के डिवाइड में 64×9 बराबर 6,670, ये कट गया यहाँ से 10 बार, तो के की जो वैल्यू आ गई अपनी कितनी आ गई 64×9×10, ये के की वैल्यू आ गई। और आपको पता है ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी वो कितनी थी, आपने कहा सर वो थी अपनी के बटे 64, के की वैल्यू यहाँ रखेंगे 64×9×10 डिवाइड में 64 से 64 कैंसिल आउट और 9×10 कितना हो जाएगा 90 रुपये, ये आपका ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी आ गया। क्लियर है क्या मेरी बात, तो समझ लेंगे सवाल को अच्छे से समझे और फिर उसके बाद पहले सवाल देखते ही आप खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे किस तरीके से, या सातवां क्वेश्चन हो गया, अब आप एक क्वेश्चन आप खुद लिख लेंगे मैं बोल दे रहा हूँ या हमारी स्क्रीन पे दिख जाए आपको और खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा, समझे, एक इंजन द्वारा की गई कोयले की खपत इसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, जब वेग 50 मील प्रति घंटा है तो खपत 100 किलो होता है, ठीक है। यदि कोयले की कीमत
ठीक है, 25 पैसे प्रति किलो कोयले की कीमत कितनी प्राइस दी गई है आपको, कितनी 25 पैसा प्रति केजी ये दिया गया है हो तो इंजन तथा इंजन की दूसरी स्थिति में 9 रुपये प्रति घंटे आपका हो रहा लॉस, 9 रुपये प्रति घंटा है दूसरी स्थिति में, क्या है 9 रुपये प्रति घंटा है, तो 250 मील यात्रा में इंजन की खपत ज्ञात कीजिए, कुल खपत आपको ज्ञात करनी कितने किलो कोयले की खपत कर देगा, ठीक है, करने की कोशिश करना। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रेशियो प्रोपोर्शन मेरी तरफ से आपका एंड हो गया है, आपके कोई भी डाउट वगैरह होते तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चले बाकी अपन अभी स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, देखते हैं एज पढ़ेंगे अपन रेशियो प्रोपोर्शन के बाद एजेस, उसके बाद अपन देखेंगे फर्दर आगे जो भी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है। चले भाई चले, थैंक यू वेरी मच आपका प्यार बनाए रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बस ऐसे लाइक करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और हमें अपना अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चले थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।